के स्नातक पार्ट 1-2 रिजल्ट में हुई व्यापक गड़बड़ी के खिलाफ और बिहट और पीआई कॉलेज के जो इंटर की मान्यता रद्द की गई है इसके खिलाफ आज हम लोगों ने यह आक्रोश मार्च निकालने का काम किया। बेगूसराय जिला में महागठबंधन के सरकार जब चुनाव का दौर चल रहा था तो उस समय महागठबंधन के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम विश्वविद्यालय खोलेंगे। अब महागठबंधन की सरकार बिहार में, हमारा संगठन ये मांग करता है कि अविलंब बेगूसराय जिला में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। संशोधित कर फिर से जारी करो, जारी करो, जारी करो। पेंडिंग रिजल्ट को संशोधित कर फिर से जारी करो, जारी करो, जारी करो। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बेगूसराय इकाई के द्वारा बेगूसराय जिला के सबसे सुप्रतिष्ठित महाविद्यालय जीडी कॉलेज के प्रांगण एवं गेट पर व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी किया गया। इसके पीछे का सबसे जो बड़ा कारण है वह कि लगातार मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों के साथ जो द्वयम नीति अपनाई जाती है उसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। हम आपको बताते चलें कि वही मिथिला विश्वविद्यालय है जो निर्धारित पूर्णांक से अधिक छात्रों को प्राप्तांक दे देती है। यह वही मिथिला विश्वविद्यालय है जिसके प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र पर महामहिम राज्यपाल का फोटो होता है। और अब वर्तमान समय में हम बताते चलें कि स्नातक पार्ट 1-2 के परिणाम में जो व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की गई है इसको लेकर के आज छात्र संगठन के लोगों ने भयंकर आक्रोश व्यक्त किया। उसने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है फिर भी छात्रों के साथ इस प्रकार की बदहाली, सुनिए। में हुई व्यापक गड़बड़ी के खिलाफ और बिहट और पीआई कॉलेज के जो इंटर की मान्यता रद्द की गई है इसके खिलाफ आज हम लोगों ने यह आक्रोश मार्च निकालने का काम किया। हम लोगों का डिमांड है कि अविलंब ग्रेजुएशन का पार्ट 1-2 का रिजल्ट, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अविलंब सुधार कर पुनर्प्रकाशित किया जाए और इंटर बिहट कॉलेज और टीआई कॉलेज में पुनः इंटर की मान्यता, स्थायी मान्यता बहाल की कर दी जाए, जिससे कि बेगूसराय के हजारों छात्र इंटर में नामांकन के लिए अभी भटक रहे हैं, उनको भटकना ना पड़े और वो अपना नामांकन बिहट और टीआई जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में ले सकें। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार विश्वविद्यालय द्वारा पार्ट 1-2 या डिग्री 3 का जो रिजल्ट आया है भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुआ है। इसका वीसी जो अभी है साठ गांठ रखता है कर्मचारियों से और जो बेगूसराय से विद्यार्थी जाता है वहां पर दोहन शोषण किया जाता है। इस तरह से लगातार मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा वीसी के द्वारा और रजिस्ट्रार के द्वारा विद्यार्थियों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंटर में जो पीआई कॉलेज और सीएस कॉलेज बिहट है वहाँ पर नामांकन नहीं हुआ है। सरकार से मांग करते हैं कि दोनों कॉलेज में अविलंब नामांकन की प्रक्रिया चालू किया जाए, नहीं तो हमारा संगठन आने वाला समय में आर पार की लड़ाई लड़ेगी। बेगूसराय जिला में महागठबंधन के सरकार जब चुनाव का दौर चल रहा था तो उस समय महागठबंधन के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम विश्वविद्यालय खोलेंगे। अब महागठबंधन की सरकार बिहार में, हमारा संगठन ये मांग करता है कि अविलंब बेगूसराय जिला में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो और टीआई कॉलेज और बिहट कॉलेज का इंटर का जो मान्यता रद्द किया गया उसे तुरंत बहाल किया जाए, क्योंकि सरकार एक तरफ हाई स्कूल को इंटर कर रही है और दूसरे तरफ जहां शिक्षक जहां पहले से प्रोफेसर है, सारी व्यवस्था है, वैसे इंटर कॉलेज को बंद कर रही है। ये दोहरा चरित्र हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। जानबूझ के ये सरकार शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है, इसलिए हम मांग करते हैं इंटर का जो पूरे बिहार के अंदर बेगूसराय जिला के दो कॉलेज सहित पूरे बिहार में जो 93 कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है उसे अविलंब बहाल करें और बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, अन्यथा हमारी लड़ाई इस सरकार के खिलाफ लगातार जारी रहेगी।